अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर नीर शॉर्ट बीटीसी अपडेट को लेके इन मेलम के चरण पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 23 मई 2022 और बिटकॉइन के फोर आवर टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड वर्थ 29,900 डॉलर्स की वजह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इस लेवल के ऊपर बीटीसी एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर तो हम लोग को बाहर निकलना है ब्रिटिश फ्लैग फॉर्मेशन से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि BTC 29,400 डॉलर से ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स बंद करे। तो आज के दिन में BTC ने काफ़ी अच्छा रन दिखाया है। ऑलरेडी BTC ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 2 कैंडल्स जिससे अबव बंद कर ली हैं, और करंट कैंडल भी 29,400 डॉलर से काफ़ी अबव चल रही है, और मैक्सिमम चांसेस है कि ये वाली कैंडल भी 29,400 डॉलर से अबव ही बंद होगी। तो वो बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन से तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वीकेंड्स के अंदर फेक पंप एंड फेक डंप बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये भी एक फेक पंप हो और कल के दिन से, मतलब कि मंडे के दिन को, हम लोग दोबारा से मार्केट को रेड रन दिखाता हुआ देखें। तो अभी सेफ अगर आप लोगों को रहना है तो सेफ रहने के लिए यही है कि अभी आप लोग कोई भी ट्रेड ना करें फिलहाल, मतलब कि कल के दिन से हम लोग दोबारा से ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। तो कल के दिन में मार्केट कैसा रन दिखाती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और उसके ऊपर ही अगले वीक के अंदर ओवरऑल मार्केट कैसा रन दिखाएगी वो डिपेंड करता है। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक और चीज़ गाइड की थी कि जब तक BTC 31,500 डॉलर से ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स बंद नहीं कर रहा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तब तक हम लोग BTC को लेके बुलिश नहीं है, मतलब कि तब तक हम लोग BTC को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ ही देखेंगे। और किन लेवल्स के दरमियान में साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे उसके बारे में मैं आपको पिछली काफ़ी वीडियो से बताता आ रहा हूँ, 28,500 डॉलर से लेके 30,500 डॉलर्स तक, मतलब कि इस लेवल तक ही हम लोग साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे BTC को। और कल की वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर हम लोगों को बुलिश होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 31,500 डॉलर से ऊपर कैंडल्स बंद हो एटलीस्ट 2 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर BTC समहाउ 27,000 डॉलर से नीचे 2 कैंडल्स बंद कर देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे और फिर हम लोग BTC को दोबारा से 25,000 डॉलर से लेकर 24,000 डॉलर का जो सा लेवल है वहाँ तक देखेंगे। तो जब तक BTC की वैल्यू 31,500 डॉलर या 27,000 डॉलर तक नहीं जा रही है, तब तक हम लोग BTC को और इसकी वजह से मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज को भी साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ ही देखेंगे। तो अगेन अभी ये एक फेक पंप हो सकता है क्योंकि वीकेंड है, तो कल के दिन में मार्केट कैसा रन दिखाती है वो हम लोग देखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग अगले वीक के अंदर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैसा रन दिखाती है उसकी प्रिडिक्शन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज जोन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब BTC की वैल्यू 21 मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुकी है, लेकिन करंटली BTC 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली भी देखें तो प्रीवियसली जब भी BTC की वैल्यू 21 मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है तो 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करते हुए BTC की वैल्यू नीचे आती है, और करंटली भी BTC दोबारा से 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो BTC की वैल्यू बनने तकरीबन 30,000 डॉलर, तो 30,000 डॉलर का लेवल एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बनता है, और उसके अलावा अब यहाँ पे आप लोग अब देख रहे हैं कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी अब 30,000 डॉलर के ऊपर आ रही है। तो 30,000 डॉलर से ऊपर अगर 2 कैंडल्स बंद हो जाती हैं BTC के, तो फिर हम लोग BTC को 31,000 डॉलर के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर BTC की 2 कैंडल्स 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 30,000 डॉलर से ऊपर बंद नहीं होती हैं, तो फिर हम लोग BTC को दोबारा से रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं, और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग BTC को दोबारा से 28,500 डॉलर के लेवल तक देखें। तो अब आप लोगों ने नज़र रखनी है जो सी नेक्स्ट कैंडल होगी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, कि वो किस लेवल के ऊपर बंद होती है। अगर वो 30,000 डॉलर से अबव बंद होगी तो फिर हम लोग BTC को 31,000 डॉलर तक देखेंगे, और अगर वो 30,000 डॉलर से नीचे बंद हुई तो फिर हम लोग BTC को दोबारा से रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे, और फिर BTC की वैल्यू 29,000 या 28,600 डॉलर तक भी आ सकती है। तो ये है मेरी मेजर शॉर्ट अपडेट ऑन BTC, एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली BTC के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को आउट कर लेना है BTC की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे मैं एक और शॉर्ट अपडेट देना चाहूँगा पोलका डॉट के ऊपर, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी।
और प्रीवियसली मैंने ये दो ट्रेंड लाइंस आप लोगों को लगा के दिखाई थी डॉट के ऊपर। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर तो हमें बुलिश होना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम लोग ये वाली जो सी डायगनल सपोर्ट लेवल की लाइन है इसको होल्ड करके रखें। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि उस डायगनल सपोर्ट लेवल की लाइन को डॉट ने तोड़ दिया था और फिर उस डायगनल सपोर्ट लेवल की लाइन को डॉट ने एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ किया था। तो गेन इसके मैक्सिमम चांसेस यही थे कि हम लोग और भी रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे डॉट को। लेकिन मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रेड के बारे में बताया था, अगर आप लोगों ने वो ट्रेड ली होगी तो 6% तक का प्रॉफिट आप लोगों का जनरेट हो गया होगा डॉट के ऊपर से। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने डॉट को रिटर्न दिखाता हुआ ही देखा है। और अगर अब आप लोग देखें तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तकरीबन साइड बाय साइड रन दिखा रहा है और इसका अब जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो तकरीबन 9.9 डॉलर्स का लेवल बन रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल वो है तकरीबन 10.28 डॉलर्स के ऊपर। और इस रेजिस्टेंस लेवल को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला लेवल पिछले काफ़ी देर से यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है डॉट के लिए पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से। अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सो फार ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है जहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ी थी 10.3 डॉलर्स करंटली। तो अगर तो इसी तरह 21 मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके रखता है और अगली कैंडल भी अगर ये 10 डॉलर से अबव बर्न कर लेता है तो इसका मतलब यह कि ये एक अच्छा साइन है और फिर हम लोग डॉट की वैल्यू के ऊपर जाता हुआ देखेंगे तकरीबन 10.5 डॉलर्स के लेवल तक। लेकिन अगेन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो अगली जो सी कैंडल होगी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर उसको भी 10 डॉलर से अबव बंद करें क्योंकि वो 21 मूविंग की एवरेज की लाइन से अबव बंद होगी। और 21 मूविंग की एवरेज की लाइन से अबव बंद होगी तो एक अच्छा रन हम लोग थोड़ी देर के लिए दिखाता हुआ देख सकेंगे पोलका डॉट को यहाँ पे। तो पोलका डॉट के ऊपर अगर अब मैं आप लोग करंट ट्रेड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट जो आप लोगों का बनेगा वो अगर 10 डॉलर से कैंडल अबव बंद होती है तो फिर 10 डॉलर के ऊपर शॉर्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का 10.2 और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर 10.5 डॉलर्स के ऊपर सेल आउट करके अपना एक प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे आप लोग। और अगर ये 10 डॉलर से अबव कैंडल बंद नहीं होती है इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे तकरीबन 9.8 डॉलर्स के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट है 10.2 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन 10.5 डॉलर्स के ऊपर जहाँ तक इसकी वैल्यू को जानने में कुछ टाइम लगेगा तो तब आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर लेंगे पोलका डॉट के ऊपर से। तो अभी तक यही शॉर्ट अपडेट है ऑन डॉट एंड ऑन BTC। तो अगली आप लोगों ने कैंडल के ऊपर नज़र रखनी है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और फिर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि अगले वीक के अंदर कैसा रन दिखाएगी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट। अभी के लिए यही अपडेट, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।